जैसे एस सी एल है, एस सी एल के अंदर पानी मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजनियम आयन, डेफिनेशन भी आती है इसको प्रॉपर्टी के तौर पर भी लिख सकते हैं, डिसॉल्विंग वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोजनियम आयन। ठीक है, दूसरी क्या थी? विद मेटल्स, विद ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देट डिस्प्लेस है, तो अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है उसमें ज़्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है, ज़्यादा रिएक्टिव, ये डाइल्यूट एसिड्स की बात हो रही है, ये बात समझ में आया? तो जो आपको डिस्प्लेसमेंट सीरीज विद मेटल्स के साथ दी थी, तो कौन कौन से मेटल है जो डाइल्यूट एसिड से डाइल्यूट एसिड को डिस्प्लेस कर सकते हैं? अब ये जो हाइड्रोजन से नीचे हैं, ये हाइड्रोजन से नीचे जो मेटल आ रहे हैं, दे आर लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव, दे डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, दे डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम, जैसे आपने लिखा कॉपर प्लस डाइल्यूट HCl, क्या आएगा यहाँ पे प्रोडक्ट में? क्या आएगा? नो रिएक्शन। क्यों? जल्दी बताओ। क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस। सिमिलरली अगर सिल्वर हो और यहाँ पे हो H2SO4 डाइल्यूट, तो क्या होगा? अब इसमें एक्सेप्शंस आएंगी, आगे समझ में आपको आ जाएगा कि जो ज़्यादा जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेड बहुत हाइड्रोजन के करीब है जनरली ये भी रिएक्ट नहीं करता, तक इट इज़ वेरी क्लोज टू हाइड्रोजन, आमतौर से ये भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस, लेकिन सोडियम पोटाशियम बेरियम ये सब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे, तो देन दीज मेटल्स कम इन कॉन्टेक्ट विद एसिड, दे फॉर्म सॉल्ट एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, क्योंकि मेटल है और ये एल्यूमिनियम है, एसिड आपका HCl है, तो क्या होगा रिएक्शन बताइए? हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगी, क्या बन जाएगा आपका? AlCl3 रिएक्ट प्रॉपर्टी फॉर्मूले उसकी वैलेंसी के हिसाब से, ये बात समझ में आई है? प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी, तो मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी थी। तीसरी थी मेटल के साथ क्या थी, हमने क्या ली थी? विद मेटैलिक ऑक्साइड, विद मेटैलिक ऑक्साइड, जैसे अब यहां देखो कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl, अब जरा समझ लीजिए ध्यान से, मेटल जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, लेकिन ये मेटल नहीं, ये तो ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड, खाली कॉपर होता तो HCl से रिएक्शन नहीं होती, ये बेसिक ऑक्साइड है और ये एसिड है, एसिड और बेसिक चीजें जब कांटेक्ट में आती हैं तो पॉजिटिव बेसिक और एसिडिक आयन फौरन मिल जाते हैं, क्या बनाते हैं? मोर स्टेबल कंपाउंड विच इज सॉल्ट, तो क्या बनेगा यहाँ पे आप बताइए खुद ही? CuCl2 प्लस हाइड्रोजन और इधर ऑक्सीजन क्या बना? अब देखिए कॉपर नहीं डिस्प्लेस कर रहा, लेकिन कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन हो रही है, क्योंकि ये मेटल नहीं है, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, तो ऑलरेडी ऑक्साइड है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कब होती है? जब ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनता है तो रिएक्शन होती है, तो कॉपर क्लोराइड इज मोर स्टेबल, इसलिए रिएक्शन हो गई। और डबल डिस्प्लेसमेंट में दूसरा क्या बताया था? व्हेन टू कंपाउंड्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म न्यू कंपाउंड बाय एक्सचेंजिंग देयर रेडिकल, बाय एक्सचेंजिंग देयर, तो रेडिकल एक्सचेंज हो गए नहीं हो गए? इस गैस के साथ चले गए, इसके साथ, शर्त ये कि ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनना चाहिए,
तो यहाँ ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनता है क्योंकि ये जो सॉल्ट है ये मोर स्टेबल है ऑक्साइड से। ठीक है, ठीक। चौथी रिएक्शन कौन सी थी हमारी? मिड मेटेलिक ऑक्साइड थी, यहाँ तक हो गया। चौथी रिएक्शन कौन सी थी? विद बेस। और हम सब जानते हैं एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? ओके, सॉल्ट क्यों बनता है? क्योंकि सॉल्ट इज मोर स्टेबल देन एसिड एंड बेस बोथ। तो जो एक से एसिड रेडिकल दूसरे से बेस रेडिकल आ गया, दोनों मिलके सॉल्ट बन गया विच इज मोर स्टेबल। ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आप ले लीजिए कोई सी भी, डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों हो गई है? HCl क्यों? एक्सचेंज ऑफ रेडिकल हो रहा है, नहीं हो रहा है? टू कंपाउंड्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म न्यू कंपाउंड बाय एक्सचेंजिंग दियर रेडिकल। ये यहाँ भी हुआ था, ये यहाँ भी हो रहा है। तो क्या बना है यहाँ पे? सॉल्ट एंड सॉल्ट बना, और दूसरा यहाँ भी सॉल्ट एंड वाटर, यहाँ भी सॉल्ट एंड वाटर। समझ में आ गई बात? क्या थी? विद व्हाट? कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। और अब कार्बोनेट इटसेल्फ इज अ सॉल्ट, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये अपने आप में सॉल्ट है। लेकिन जब ये एसिड के कॉन्टेक्ट में आता है, कोई सा भी एसिड हो, कोई सा भी, तो जो कंपाउंड है वो ज़्यादा, जो नया सॉल्ट बनता है वो ज़्यादा स्टेबल है। और कभी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, अगर ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनेगा तो रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं कार्बोनेट कम स्टेबल है और जो कंपाउंड बनना चाहिए वो नाइट्रेट बनना चाहिए, वो ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए रिएक्शन होगी या नहीं होगी? तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस, अब ये मैंने आपको बता दिया कि कार्बोनिक एसिड बनना चाहिए इस रूल के हिसाब से, लेकिन कार्बोनिक एसिड केमिकल रिएक्शन में डिकम्पोज हो जाता है बनते हुए, और हमेशा क्या बनाता है? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, क्योंकि बहुत ये स्टेबल नहीं होता, बहुत कम स्टेबल होता है। स्टेबल ये कब बनता है कार्बोनिक एसिड? जब हम कोल्ड वाटर में, बहुत ठंडे पानी में प्रेशर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड डालें, तब कार्बन डाइऑक्साइड उस वाटर से रिएक्ट करती है और कार्बोनिक एसिड में बदलती है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके कार्बोनिक एसिड कब बनता है? जब प्रेशर के साथ ठंडे पानी में कार्बन डाइऑक्साइड पास करें। केमिकल रिएक्शन में कार्बोनिक एसिड नहीं बनता, क्योंकि वो बनते ही डिकम्पोज, बनते हुए बनते बनते डिकम्पोज होगा और फाइनल प्रोडक्ट में क्या आएगा? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात समझ में आ गई आपके? अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी जो मैं आपको कराना चाह रहा था वो थी स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ कुछ फ्यू एसिड्स, यानी नाइट्रिक एसिड जो है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, समझ लीजिए ध्यान से, नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड बेसिक ऑक्साइड से भी रिएक्ट करेगा, बेस से भी रिएक्ट करेगा, लेकिन मेटल से जो रिएक्शन होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है नाइट्रिक एसिड की, क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इज़ ए स्ट्रॉन्ग, यानी वो चीज़ों को ऑक्सीडाइज बहुत स्ट्रॉन्गली कर देता है। तो नाइट्रिक एसिड जब किसी मेटल से कॉन्टेक्ट में आता है और रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनती, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है। हाइड्रोजन जब ऑक्सीडाइज होगी तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा। क्या? तो ये रिएक्शन स्पेशल रिएक्शन है जिसको हम अलग से करेंगे। जब आप डाइल्यूट एसिड्स की रिएक्शन लिखें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक, डाइल्यूट नाइट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड तो लिखेंगे मेटल के साथ, मेटल के साथ। अगर आप मेटल को छोड़ के बेसिक ऑक्साइड से या बेस से या कार्बोनेट से आप कोई से भी एसिड ले सकते हैं, नाइट्रिक एसिड भी और सल्फ्यूरिक एसिड भी, लेकिन खाली मेटल के साथ जब लेंगे तो नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन पहले समझिए क्या होती है, फिर लिखना वरना गलती हो जाएगी, क्योंकि नाइट्रिक एसिड डू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विद एनी ऑफ द मेटल। क्यों? क्योंकि इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन टू वाटर, हाइड्रोजन को काय में बदल देता है वो, तो फाइनल प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती हमें, क्या मिलती है? वाटर मिलता है। और इट्स सेल्फ रिड्यूसिस टू, अगर डाइल्यूट है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा और कॉन्सेंट्रेटेड है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये स्पेशल रिएक्शन है जो मैं अलग से करूँगा।
ये बात समझ में आ गई। सिमिलरली कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इससे जब मेटल रिएक्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता बल्कि हाइड्रोजन को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए हाइड्रोजन को काय में बदल देता है, वाटर में, और खुद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिड्यूस हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड में, काय में, सल्फर डाइऑक्साइड में। ये भी एक स्पेशल रिएक्शन है, ये एक दो रिएक्शन अलग से करानी है। बाकी जनरल रिएक्शन में आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन मेटल से भी करा सकते हैं, किसी भी मेटल से, सिवाय इसके जो हाइड्रोजन के नीचे है वो रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन जो है वो मेटल से होती तो है, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा वो किसी भी मेटल के साथ, चाहे वो ऊपर क्यों, चाहे वो क्यों बने, क्या बनाएगा वो, हाइड्रोजन की जगह H2O बनाएगा, क्योंकि इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन टू वाटर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन को वाटर में ऑक्सीडाइज नहीं करता, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है जितना नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। तो इसलिए आपने देखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन हमने मेटल के साथ दिखाई है, लेकिन कहाँ नहीं दिखाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन, जो हाइड्रोजन से नीचे है, नहीं कॉपर था वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन ही नहीं करता, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं होती। क्यों नहीं होती हाइड्रोजन डिस्प्लेस, क्योंकि कॉपर इज लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन हाइड्रोजन, तो कम इलेक्ट्रो पॉजिटिव ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। ये मेरे फंस गया इसके अंदर, आ गई आपके नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी उसमें हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड की लेंगे, एंड देन विल कम टू पीएच। पीएच क्या होता है, मतलब एसिड का ये पता लगाना, ये एसिड की एसिडिक करेक्टर स्ट्रॉन्ग है या वीक है वो पीएच वैल्यू से पता चलता है। तो वो क्या है, वो कैसे पता चलता है, वो आपको बताना है। ये बात समझ में आ गई है, नेक्स्ट क्लास में।